कैंसर जो होता है उनके जो बेसिक लक्षण जो होते हैं, पहले तो होता है कि आपको पेट दर्द होना, आपके जो पेट की जगह पे है वहाँ पे एकदम ही कड़क सूजन आ जाना, बच्चा यूरिन करने में तकलीफ़ हो रही है ऐसा संदेश देना, बहुत ही बुखार आना, बहुत ही वज़न कम हो जाना जिसका कोई भी कारण नहीं है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाना या डल हो जाना, पेशाब लाल कलर का होना, ये सारे कॉमन लक्षण हैं। कुछ कुछ बच्चों में एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये किडनी कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं, ये सिंड्रोम वो होते हैं जिसमें मतलब वो उनको एक सिंड्रोम जेनेटिक बीमारी का होता है जो कैंसर की ओर लीड कर सकता है, ऐसे में किडनी कैंसर्स की जो प्रमाण है वो बढ़ जाते हैं। बेकविथ सिंड्रोम, एनिड्रिया, वेगार सिंड्रोम, ये तीन प्रकार है जिसमें किडनी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चों में ये तीन सिंड्रोम ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपका जेनेटिक टेस्ट हो चुका है तो आपको मंथली या कुछ कुछ टेस्ट जैसे कि AFP है वो हर 3 महीने में करना चाहिए ताकि आप इस किडनी कैंसर को रोक सके या एटलीस्ट प्रिवेंट कर सके। इसके लिए आपको टीम लगेगा जो आपको किडनी कैंसर के बारे में बताएंगे। जो पहला इंसान है इस टीम का जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट है वो है पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका पूरा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का टीम। ये सारे चीज़ें ट्रीटमेंट मोडालिटी में ज़रूरी है। किडनी कैंसर जैसे कि सॉलिड ऑर्गन कैंसर है, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। स्टेज 5 कैंसर वो होता है जब दोनों किडनियाँ अफेक्ट होती है कैंसर से,